हेलो दोस्तों, टोटल वे गेमिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक माइनक्राफ्ट गेम में हाउ टू मेक टॉर्च हम कैसे बनाते हैं माइनक्राफ्ट गेम में, इसके बारे में मैंने आज वीडियो बनाया है। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखना। जिस दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दो और कॉमेंट ज़रूर करना। तो आज आपके सामने चलो मैं आज ये गेम में टॉर्च की क्या ज़रूरत है। टॉर्च की तो ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आज यह वीडियो आपके सामने रखता हूँ। चलो, हम जनरेटिंग वर्ल्ड में आ चुके हैं। हम सबसे पहले मैं मुझे लकड़ी की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं लकड़ी काटता हूँ। लकड़ी काटने में देर तो लगेगी क्योंकि हमारे पास कोई औजार नहीं है, ना कोई कुहाड़ी है, ना कोई धारदार शस्त्र है। कोई बात नहीं, कटने में तो देर लगती है। लकड़ी के बिना हम कुछ औजार नहीं बना सकते। थोड़ी ही देर में हमने एक पेड़ पूरा काट लिया। जब रात हो जाएगी तो टॉर्च की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, और हम जब कोई पहाड़ में, कोई पर्वत में खुदाई कर रहे हैं तो, माइनिंग करते हैं तो, जैसे जैसे हम धरती के बीच में जाते हैं ऐसे हमें टॉर्च की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम सबसे पहले टॉर्च बनाएंगे। टॉर्च बनाने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए सबसे पहले हमने लकड़ी काट ली है, वुड काट लिया है। जिस दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो, हमें लकड़ी मिल गई, अभी इनसे भी ज़्यादा नहीं चाहिए। इस पेड़ को मैं आखिर काट डालता हूँ। अब मैं खुली जगह में जाता हूँ, यहाँ मैं क्राफ्टिंग करने वाला हूँ। इस तरह हम क्राफ्टिंग में लकड़ी के क्यूब को रखेंगे और ऑकवुड प्लांक बनाएंगे। ऑकवुड प्लांक्स के मदद से हम एक क्राफ्टिंग टेबल तैयार करेंगे, और इस टेबल की मदद से हम पिकेक्स, टॉर्च आदि चीज़ें बना सकते हैं। देखो, ऑकवुड प्लांक की मदद से हम एक स्टिक बनाएंगे। स्टिक की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि स्टिक के बिना हम टॉर्च नहीं बना सकते। क्राफ्टिंग टेबल हमने रख दिया, अब इसकी मदद से हम पिकेक्स बनाने वाले हैं। देखो, यह क्राफ्टिंग टेबल हमने रखा है और हमारे पास पिकेक्स आ चुका है, दो स्टिक और दो और तीन ऑकवुड प्लांक की मदद से। अब हम पिकेक्स की मदद से सबसे ज़्यादा जल्दी से खुदाई कर सकते हैं। कोबलस्टोन को हम तोड़ने में बहुत काम आता है ये पिकेक्स। हम कोबलस्टोन की मदद से भी पिकेक्स बना सकते हैं। ये क्या निकल रहा है? देखो, ये काले काले चीज़ें हैं टपके वाले, वो कॉल है। वो कॉल को हम निकाल लेंगे। कॉल की मदद से हम टॉर्च बनाने वाले हैं। देखो, ये कॉल है, ये सब कॉल हम इकट्ठे कर लेंगे। कॉल और स्टिक दोनों को मिलाकर हम एक टॉर्च बनाने वाले हैं। कॉल के बिना टॉर्च नहीं बनने वाले, और कॉल बनाने के लिए दूसरा भी हमारे पास उपाय है। हम फर्नेस की मदद से वुड को जलाएंगे और चारकोल बना पाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी नेचुरल कॉल है, वो इसकी मदद से हम टॉर्च बनाएंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ कॉल है। चलो, कॉल हमारे पास आ गए, अब हम टॉर्च बनाएंगे। देखो, ये
दो कॉल और दो स्टिक की मदद से हम चार टॉर्च बन गए हमारे पास, जो इसे हम क्राफ्टिंग में रखेंगे और कॉल को भी रखेंगे और हमारे पास टॉर्च आ जाएगी। इसको सही जगह से रखने से हमारे टॉर्च रेडी हो गई। देखो 8 टॉर्च हमने बना दी। अब टॉर्च का क्या हम यूज करने वाले हैं, देखो जब भी हम पर्वत के अंदर खुदाई करते हैं तो टॉर्च की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो हमने यहाँ एक टॉर्च चिपका दी, इसकी कैसे हम यूज करेंगे, इसके अंदर जाके खुदाई करते हैं तो अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में हमें उजाला करने के लिए टॉर्च रखेंगे। आखिर में मैं आपको दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि जिस दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। जब हम इतने अंदर माइनिंग करते करते घुस गए हैं तो अब हमें टॉर्च की ज़रूरत पड़ने वाली। देखो एक टॉर्च हमने यहाँ रख दिया, कितना उजाला हो गया, यहाँ रख दिया। तो ये टॉर्च की एक खासियत है, वो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखने वाली है।